जनजातीय जिला में पिछले दो दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही हिमपात व निचले इलाकों में हो रही बारिश के चलते एक ओर जहां समूचा जिला किन्नौर प्रचंड ठंड की चपेट में आ गया है, वहीं भारी बर्फबारी में भी जिला किन्नौर के काफनू में लगी रमेश हाइड्रो से निकाले गए कर्मचारियों द्वारा लगातार चलाई जा रही हड़ताल रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर भी आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, वहीं उनका कहना है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर होकर भी कंपनी अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के पास आंदोलन के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है। सरकार कंपनियों के साथ इन्वेस्टर मीट की बड़ी बड़ी बातें करती है, परंतु काफनू कंपनी में रोजगार के भरपूर अवसर होकर भी कोई सूद नहीं ले रहा है। संगठन के प्रधान श्री रति राम नेगी जी ने रोष प्रकट कर कड़े शब्दों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ हवाला दिया है। अगर ऐसी परिस्थिति में प्रशासन बीच का रास्ता नहीं निकालती है, तब तक उन्हें मजबूरन अपने आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा। इस बर्फबारी व प्रचंड शीतलहर के कारण यदि कोई मजदूर साथी बीमार होता है तो इसके लिए भी कंपनी प्रबंध स्वयं जिम्मेवार है। मैं संघर्ष के माध्यम से प्रशासन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले 60 दिनों से इस भारी बर्फबारी में भी आंदोलन का अपनी मांगों को लेकर चलाना पड़ रहा है। यहां कंपनी में रोजगार के पूरे अवसर है, फिर भी कंपनी प्रबंधन स्थानीय कर्मचारी को जबरदस्ती बाहर का रास्ता दिखा रही है। जब कंपनी सरकार के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाती है तो स्थानीय पंचायतों में आकर रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करती है, अपना काम निकालने के बाद स्थानीय लोगों को का निकाला जाता है। जहां दूसरे मुद्दे पर जहां हमारा कंपनी क्राइटेरिया है और हमारा अपना हक है, मजबूर होकर अपनी जान जोखिम में डालकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है, तभी हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए किन्नौर से कुलभूषण नेगी की रिपोर्ट।